एक तो ये है कि स्थिति धीरे धीरे करके नॉर्मलसी की तरफ आ रही है. अगर आप क्यूज देखें जो ब्रांचेस में है वो धीरे धीरे कम हो रही है. इनफैक्ट जो एक्सचेंज की क्यूज है वो तो ऑलरेडी कम हो रही है. लोग अब अपने अकाउंट में आकर डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात है ताकि इकोनॉमी वापस उसमें मूवमेंट शुरू हो जाए. बैंक्स ने अपनी तरफ से काफी ऑर्गेनाइज किया हुआ है. यू नो सेपरेट क्यूज हैं, वहां से पैसा दिया जा रहा है. जो एटीएम्स हैं वो धीरे धीरे करके एक्टिवेट हो रहे हैं. इनफैक्ट ICICI बैंक फर्स्ट बैंक था जहां पे एक ही एटीएम में आप 2000 रुपी नोट, 500 रुपी नोट और 100 रुपी नोट साथ में पा सकें. अब तो पूरा आरबीआई के सुपरविजन में पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के एटीएम्स ग्रेजुअली कैलिब्रेट हो रहे हैं. और यही नहीं, अगर आप देखें तो बैंक्स ने काफी कुछ दूसरे स्टेप्स भी उठाए हैं. कुछ पॉस मशीन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि उनके थ्रू पैसा दिया जा सके. जो बैंक मित्र हैं, बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, वहां तक पैसे पहुंचाए जा रहे हैं. एयरपोर्ट्स पर पैसे अवेलेबल किए जा रहे हैं मनी एक्सचेंजर्स को, ताकि ट्रैवलर्स को कोई डिफिकल्टी ना हो. तो सीनियर सिटीजन्स का ख्याल रखा जा रहा है.